Hey guys, so welcome back to my channel everyone. So आज ना बहुत हटके तरीके से हम वेलकम कर रहे हैं मिरर में. गाइस आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब सी हो रही है. आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही है. पर खैर आज मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया. बिल्कुल मेरा दिल कर रहा है बस मैं डाइनिंग टेबल पर बैठूं और मैं बस खाऊं. और वैसे भी ना डेली कोई ना कोई रेसिपी ट्राई कर करके मैं तो बोर सी ही हो गई हूँ. आप हुए हो क्या रमज़ान में? वैसे खा के कौन बोर होता है? मैं तो हो ही जाती हूँ. वेल आई एम वेरी मच फूडी बट खा के अक्सर बोर हो जाती हूँ. या मैं ऐसा कहूँ कि गाइज मैं बना के बोर हो जाती हूँ लिटरली. आजकल मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर रही हूँ लेकिन मैं बोर हो गया हूँ. आलू कीमा ट्राई कर लिया, अंडा अलग तरीके का ट्राई कर लिया, पराठे तो हम रोज़ ही खाते हैं, और क्या ट्राई किया था मैंने, खैर मैं भूल गई. अगर आपको मेरे आलू कीमा की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे है. मेरे सॉसी ऑमलेट की रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर है, मेरे रोज़ा 2 रोज़ा 3 के ब्लॉग में. वेल सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो माय नेम इज़ एमन बट यू कैन कॉल मी एम. बट इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल येट तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि फिर मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करूँ. मैं वेट ही आप लोगों का कर रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. मैं लेट हो गई थी और नमान चाय बनाया था और चाय का हशर देखे क्या हो गया. ये चाय के लुक पे बिल्कुल मच जाएगा. इस ये दूध फट चुका है हमारा जो हमारे साथ हो चुका है सीन. अब हम बना रहे हैं दोबारा से चाय. तो ये दोबारा से चाय बन रही है गाइस जो आई थिंक कि अच्छी बनेगी. इस दफ़ा दूध को कुछ नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है यार. अगर दूध को कुछ हो गया तो फिर हम चाय कैसे पियेंगे? बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का. तो नमान क्या कहना चाहते हो चाय के बारे में? सारी चाय जल गई. जल नहीं गई, दूध जल गया. सॉरी दूध जल गया, खराब हो गया. दूध फट गया. दूध पट गया और ऐसा खतरनाक पट्टा चाय की नशे दिखा दी मैंने. अब तुम क्या करो? वैसे फटे हुए दूध के साथ हम कुछ कर सकते हैं लेकिन इसमें तो पत्ती हम कुछ भी नहीं कर सकते ना. अगर वैसे आपका दूध फट जाए तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो ना, कुछ कर सकते हैं. सो फटे हुए दूध के साथ क्या किया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुछ तो किया जाता है. आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा. नहीं हो सकता फटे हुए. नहीं फटे हुए दूध का कुछ बनता है? अरे बाबा उठा ले मेरे को. नहीं रे इन दोनों को उठा ले. इसके काम चेक करो नुमान के. चाय गिरा दी इस लड़के ने. क्या है आज? चाय को दुश्मनी है. पर्सनल दुश्मनी है. बहुत सही जा रहे हो तुम. पूरी चाय वेस्ट कर दी है इस बंदे ने यार. पहले दूध फाड़ दिया, चाय वेस्ट कर दी. बहुत सही जा रहे हो नुमान तुम. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. तो गाइस मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैंने नुमान से मांगा पानी और नुमान मुझे देखो क्या बोल रहा है. क्या बोल रहे थे तुम? मैंने नुमान को दुआ दी गाइस कि अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे. लेकिन इसका जवाब क्या है? क्या था जवाब? लंबी उम्र का करना है क्या है? सबको मरना है एक दिन. कोई 60 साल पहले मरेगा, कोई 70 साल बाद मरेगा. मरना है. कोई 100 साल जी सकता है अभी के दौर में? सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है. लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती. हम पीते अपना ठंडा ठंडा पानी क्योंकि मुझे लगी है बहुत टाइट प्यास. जिसके पास पैसा नहीं हो तो ऐसी बातें करते हैं, याद रखना. वेरी फनी गाइस. रुमान का मानना है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है. लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता ना, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपकी इज्जत नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है. पैसा हर चीज़ नहीं होती. इज्जत तो नहीं है ना हमारी. पैसे से आप किसी इंसान को नहीं खरीद सकते. हरामीपन को खरीद सकते हो. हरामी वफादार जो बंदा होता है ना वो पैसों से नहीं आता. 10 नौकर खड़े कर दो आप यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनके ऊपर पैसा निछावर करो तो आपकी वफादारी करेंगे. एम आई राइट और रॉन्ग गाइस? कमेंट सेक्शन पे जरूर बता. सो गाइस ये बंदा अभी नहा कर आया है. कितने दिनों के बाद नहाए हो भाई? रोज नहाता हूँ. अच्छा अब तू मेरी वीडियो नाइट सूट में बनाते हो, शर्ट में पहनता हूँ तो सोने का होता है तो उसमें तैयार हो तो तुम में दिन में. अच्छा बालों को छोड़ दो बस. क्या करना चाहते हो आखिरकार? मुझे बाल बहुत पसंद है पूरे जिससे मैं सिर्फ बाल ही पसंद है मुझे. तो गाइस अभी हम बाहर आए हैं, वॉक कर रहे हैं
और ये बर्ड्स का जो साउंड है ना, मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्ड्स का सुबह सुबह का जो साउंड है ना, बहुत अमेजिंग लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और यहाँ पे तो कितना सन्नाटा हो रहा है यार, नमाज का टाइम भी हो चुका है और लोग नमाज पढ़ के घर जा भी चुके हैं। तो अभी हम बस चलते हैं, हम भी थोड़ा वॉक करेंगे जब तक लाइट हो जाए, उसके बाद मुझे एक और काम करना है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या करना है। अभी हम किचन में आ चुके हैं वापस, लेकिन अभी हम कुछ बना नहीं रहे हैं। अगर आपको कोई गलतफहमी हो कि हम दोबारा से कुकिंग करने लगे, सुनो गाइस, नमान क्या कर रहा है, इतना शोर कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहा है एक्चुअल। तो नमान ये कर रहा है, अरे नमान उफ अल्लाह। गाइस असल में मुझे ये तुमने फाड़ दी है क्या? नहीं, असल में गाइस मुझे चाहिए थी एक बोतल मिरर वाली, मिरर मतलब शीशे की, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार इस बोतल को थोड़ा कट कर देते हैं और खूबसूरत सा लुक बना देते हैं। अब नुमान पता है हमें क्या करना है? हमें इस बोतल का ना, ये जो ऊपर का लुक है ना, ये हाथ में चुभेगा। हाथ लगा, इस पे टेप लगा ले। नहीं, आग, आग से इसको फोल्ड कर। माचिस लेकर आओ। ओए ओए, अभी ये बोतल नुमान तो फ्लॉप हो गया इसमें, अब मैं करने वाली हूँ। मैंने गैस चला दी है, यार बन गया पागल। उफ, उफ, उफ। मेरे पास एक दिमाग का आइडिया और भी है। बहुत प्यारे लग रहे हैं, पता है, आर्ट बन गया ये। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। अभी हम जो थोड़ा सा मनी प्लांट था उसको हम अंदर लगा रहे हैं, बाकी हमने सारे बोटल्स में डाल दिए। इसकी भी जड़ें आ रही है वाइट वाइट, इसलिए हम लगा रहे हैं, देखते हैं उगता है या नहीं उगता है। इसका रिजल्ट हम आपको देंगे। हाँ, इसका रिजल्ट हम आपको 10-15 दिन के बाद देंगे। यस, अबे तो भाई ले, इसने पत्ता ही तोड़ दिया। बहुत जबरदस्त काम नहीं किया तुमने वैसे। हमें गार्डन में से कोई चीज मिली है और नुमान कह रहा है ये केचुआ है। मुझे तो नहीं लग रहा नुमान ये केचुआ। एक सेकंड, अभी जा रहा है। रुक जा, तू उसको टच मत कर। ये क्या है? ये गाइस, ये मूव हो रहा है, दिख रहा है आपको? इसको मुंह भी दिख रहा है। अबे देखो, ये अपने आप को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। कर भी दिया, क्या कोशिश कर रहा हुआ। वाओ नाइस, ये केचुआ नहीं है नुमान, गारंटी ये कोई और इंसेक्ट है। वाओ नाइस, ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ निकली उसकी। सी गाइस, अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। वेरी नाइस। हे गाइस, सो वेलकम बैक। अभी हो गई है शाम, इफ्तार में भी 1 घंटा है और मुझे उठे हुए मैक्सिमम कोई 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। या क्योंकि फिर मैंने फ्रेश हुई थी, चेंज किया था नमाज वगैरह, तो उसमें मेरा पूरा टाइम गुजर गया। अब मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। किचन में ऑलरेडी इफ्तार की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस, मैं आपको जाकर किचन का हालात दिखाती हूँ क्या है। और अभी हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं। सोच मैं कुछ यूँ रही हूँ कि मुझे वीडियो एडिटिंग करके पोस्ट भी करनी है। चलो फिलहाल तो हम किचन में चलते हैं और आपको मैं इफ्तार की प्रिपरेशंस दिखाती हूँ। और मैंने आज दोबारा से आलू कीमा बनाया गाइस, उसका लुक मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। चले सो गाइस, हम आ गए हैं किचन में और ये हैं पकोड़े जो अभी तक कम्प्लीटली रेडी नहीं हुए हैं। ये है समोसे, ये दही बड़े हैं जो अभी पानी में डाले हैं, और ये पापड़। पापड़ कम नहीं है अम्मी, गर्लिश भी तो खाएगी। और साथ में कीमा बनाया मैंने जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रही थी। दिस इज़ सो हॉट गाइस, मैं अपने दुपट्टे से हटा के दिखाती हूँ। ये कीमा बनाया है मैंने, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, मैंने सहरी में बनाया था, तो आप जाके रेसिपी देख सकते हैं। क्यों, वजह क्या है आज? नहीं, चल झूठा, चल झूठा, ऊपर आऊँ मैं? सो गाइज, मुझे नुमान, वैसे यार ये सनलाइट कितनी प्यारी लग रही है ना, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस। सो गाइज, नुमान जानबूझ करके मुझे ऊपर आने से मना कर रहा है, क्योंकि 28 मार्च को रात को 12 बजे की बात मेरी बात है। yes.